पहले प्योर है ना, और सन ऑफ सुप्रीम सोल, प्योर सोल सन ऑफ सुप्रीम सोल, ऐसे नहीं आई एम दैट प्योर उसका मतलब है कि आई एम सुप्रीम सोल, नो ये रॉन्ग हो जाएगा, आई एम दैट अभी तो इम्प्योर है ना, तो इसीलिए इम्प्योर आई एम दैट यानी असल इम्प्योर, तो आई एम दैट जो लगता है नहीं वो अपने से ही लगता है लेकिन प्योर स्टेज से, तो प्योर स्टेज हो गई ना, तो अभी इम्प्योर स्टेज है, फिर हमको प्योर स्टेज पकड़नी है, बाकी आई एम दैट नॉट सुप्रीम सोल नहीं, आई एम दैट मीन्स, और हम सो का भी अर्थ है कि हम सो का मतलब ये नहीं आई एम सो सुप्रीम सोल नॉट, आई एम सो प्योर सोल दैट आई एम फर्स्ट प्योर, तो इसीलिए अपनी बुद्धि को अपनी प्योर स्टेज पर रख कर करके और फिर हम सन ऑफ सुप्रीम सोल, ये बुद्धि की स्थिति हर वक्त बनाने का प्रयत्न रखना, उससे हमारा हर एक्शन में हमारा प्योर एक्शन चलेगा, क्योंकि आई एम फर्स्ट प्योर ना, तो अपनी दैट बुद्धि उसमें रखते हैं कि आई एम प्योर सोल और असल प्योर है और सन ऑफ सुप्रीम सोल बाप, तो इसी तरह से याद में रहने से फिर हमारा एक्शन भी प्योर रहेगा कि आई एम प्योर सोल नॉट इम्प्योर, तो ये ख्याल रहने से हमारी एक्शंस में संभलेंगे जल्दी, कोई रॉन्ग एक्शंस नहीं होगा, और जो भी देखते हैं तो ये भी तो सोल है, ये भी तो फर्स्ट प्योर है, लेकिन अब यहाँ से कोई इम्प्यूरिटी की किसी से भी एक्शंस होगा, मानो हमसे किसी ने पूछा दो गाली करी या कोई ऐसी बात करी, तो भले उसकी इम्प्योर एक्शंस है और तो हम समझते हैं तो फर्स्ट प्योर, पर तो ये जानता नहीं है बेचारा, बेचारा जानता नहीं है, वो आएगा ना बेचारा जानता नहीं है, तो इनको पता दे दे इसमें इसने कहा तो उसे हम थोड़े या इसने कहा तो हम भी इम्प्योर से साथ इम्प्योर हो जाए, हाँ नहीं, हम अपनी प्योरिटी स्टेज नहीं छोड़ेंगे, ऐसे नहीं इसके कारण हम भी इम्प्योर एक्शंस में आ जाएं, नहीं इसने क्या रहा इस बेचारे को पता नहीं, इसको पता देना चाहिए हाँ कि नहीं इसे तुम्हारे अगर दे सकते हैं उस पर हम चला सकते हैं, देखते हैं देने का है, अगर समझे नहीं और ही उसको हमारा कहना या कुछ भी, तो चलो हम तो अपने स्टेज पर रहे ना, परंतु फर्ज है कि उनको भी प्यार से ढंग से अगर हम उसी स्थिति में होंगे तो उसको असर बैठेगा, अगर हम अपने उस पोजीशन पर होंगे ना तो वो पोजीशन उसको पकड़ाएंगी, नहीं वो समझेगा वो सुनेगा, तो ये सभी चीजें हैं जिसमें हमको अपनी स्टेज वो प्योर आई एम फर्स्ट प्योर, तो अभी हमें प्योर तो प्योर याद रखने से फिर हमारा एक्शन प्योर रहेगा, नहीं तो फिर बॉडी कॉन्शियस होने से फिर इम्प्यूरिटी, तो इम्प्यूरिटी की एक्शन आदि जो भी काम लोग वो आदि पाठों विकारों का पकड़ा हो जाता है, नहीं तो उससे हम छूटे रहते हैं ना, तो ये है युक्ति और प्रैक्टिकल अपनी स्टेज की धारणा जिससे हम अपने को आगे बढ़ा सकते, तो अभी ये अभ्यास अपना हर वक्त रखने का, ये ऐसी चीज नहीं है किसी समय कोई खास बैठ कर करके करना, ये भी कहीं निष्ठा में बिठाया जाता है ना, तो जब तक कच्ची अवस्था है यानी अभी कच्चे है, कच्चे का मतलब है अभी पहली है स्टेज, तभी भाई उनको जरा प्रैक्टिस बैठ जाए रस बैठ जाए, परंतु वास्तव करके नहीं तो बिठाने की दरकार नहीं है, ये तो चलते फिरते खाते पीते अपना रखने का, परंतु उसको टेस्ट जरा बिठाने की और उसको जरा प्रैक्टिस का इसीलिए बिठा भी लेते हैं, परंतु नहीं तो वास्तव करके उनकी दरकार नहीं है, क्योंकि जरूरत नहीं है, जरूरत बस समझा आई एम प्योर सोल सन ऑफ सुप्रीम सोल, बस उसी में स्थित रहना है और उसी स्थिति से अपना काम काज करते, जो काम काज क्या करेगा जरूरी करेगा, ऐसा जो होगा स्थिति वाला वो जो अपना जरूरी है, तो अपना शरीर निर्वाह का अथवा दूसरे के ब्याह बनाने का, उनको भी अपनी स्टेज में लाने का, बस उसी से वही काम होगा, वो कोई इम्प्योर एक्शन फिर नहीं होगा, होगा ही नहीं, बता रहेगा नहीं आई एम हम क्या है, तो ये रहने से, तो ये है अपनी स्मृति याद, तो अपनी भी याद और अपना बाप की भी याद, तो इसको कहेंगे कि याद रिलेशन सहित याद, इसको कहेंगे है कि याद पर तो रिलेशन सहित कि आई एम सोल अपनी भी कि मैं क्या हूँ और
सन ऑफ सुप्रीम सोर्स रिलेशन है। तो क्या रिलेशन है? हमको उसकी माइट वसा जिसको कहते हैं वो प्राप्त रहेगा, इसीलिए वो रिलेशन भी पकड़ना है। अगर रिलेशन नहीं पकड़ेंगे तो वसा नहीं मिलेगा। आई एम दैट मन, आई एम सुप्रीम सोल, तो फिर कहाँ से वसा मिलेगा? यू आर सुप्रीम सोल, देन नो इनहेरिटेंस, कहाँ से मिलेगा? फादर रखेंगे तो फिर फादर से मिलेगा, रिलेशन है। वैसे तो ये भी मनुष्य है, आपका बच्चा भी तो मनुष्य है, परंतु रिलेशन से आपके प्रॉपर्टी के ऊपर, बकरी के ऊपर हक लगेगा, हाँ लगेगा ना, जो भी प्रॉपर्टी होगी। लेकिन रिलेशन नहीं है तो वो भी मैन है, फिर तो कोई बात ही नहीं है ना, हाँ फिर तो आप क्या होगा? परंतु नहीं, रिलेशन जायदाद के ऊपर हक, कोर्ट भी दिलाएंगी, हाँ दादे की वो पोतरा होता है, ग्रैंड फादर के ऊपर हक हो जाता है। तो ग्रैंड फादर एंड पोतरा, ग्रैंड सन, तब तो रिलेशन है ना, ये रिलेशन, तो रिलेशन प्रॉपर्टी के ऊपर हक लगाता है। तो रिलेशन का भी बड़ा संबंधित चीज भी बड़ी बड़ी बात है। तो खाली आई एम सोल से भी काम नहीं, सन तो वो रिलेशन की पावर जो है ना वो भी काम करती, जैसे ये भी मैन, हाँ चलो फिर तो कोई है नहीं, पर तू देखो ग्रैंड सन और ग्रैंड फादर, तो रिलेशन भी पावर है ना। तो ये रिलेशन माइट, रिलेशन से हम उनसे अपना पावर लेते हैं, तो हमारा उसके जायदाद के ऊपर हक रखता है। तो देखो कोर्ट भी रिलेशन लेगी, उनकी देखेंगी, कोई आज झूठा बनाया रिलेशन तो जांच करेंगी, ये करेंगी, यहाँ ब्लड देखेंगी, ये करेंगी, यहाँ कहीं होती है ना कोर्ट भी बड़ा, तो भाई इनके ब्लड का है, ये है, तो देखो ब्लड कनेक्शन रिलेशन उसका भी, तो कोर्ट भी अपनी दावा रखेंगी कि नहीं ये इनकी जायदाद है, हमारा भी तो कनेक्शन, आई एम सन ऑफ सुप्रीम सोल, तो हम भी इसके जायदाद के ऊपर रिलेशन से अपना हक रखते, तो रखना है ना, ये पावर है, ये माइट है। और दुनिया का भी देखो, राजा प्रजा, वाट राजा क्या है, हा? ये नेताएं बने, ये क्या, ये भी तो है तो मैन, वो भी मैन, परंतु क्या रिलेशन पावर ले आती है ना, तो से करते हैं, तो है तो वो भी मनुष्य, वो भी मनुष्य, एक एक के ऊपर चलता है, तो ये भी तो माइट मिलती है ना, तो ये सभी माइट लेने का, अब इसी से हम उससे वो कंप्लीट ताकत लेते हैं जिससे मनुष्य ऊंचा बनता है, और उसके धारणाओं से फिर हम अपने मनुष्य में पावर में रहते हैं, मनुष्य होकर के पावर में रहते हैं, जिससे हमको ये पावर आती है, हेल्थ वेल्थ एवरीथिंग प्राप्त होती है। तो ये माइट लेनी है ना, तो माइट लेने के लिए हमको उसके साथ, बाकी आई एम दैट, तो माइट कहाँ से ले, किससे ले, वो नहीं मिलेंगी ऐसे। तो ये सभी चीजें हैं, आई एम कहेंगे आई एम फादर, हाँ तो फादर तो फिर सन, नो सन नो इनहेरिटेंस, हाँ तो खत्म हो जाती है ना, नो सन नो इनहेरिटेंस, आई एम फादर तो नो, आई एम दैट करेंगे, आई एम फादर, आई एम फादर, नो रिलेशन नो इनहेरिटेंस, खत्म, कट ऑफ हो जाए। तो वो योग कटता है, वो योग लगता नहीं है, वो कटता है, तो वो कटिंग है, और वो योग लगाना है, उसे माइक लेनी है, तो मिलेंगी वो ऐसे पावर आएंगी, वो ऐसे पावर निकल जाएंगी, वो और बेमुख बनेंगे, क्योंकि आई एम है तो कायदा, ये सभी सूक्ष्म बातें, ये सूक्ष्म जो बुद्धि में होंगे ना वो समझेंगे, उनके बुद्धि में आएंगे, वो पावर निकल जाते, जैसे उसे बेमुख हो जाते हैं, आई एम फादर तो बस उसमें तो क्या कहाँ से मिलेंगी, नहीं वो लेना है, आनी है किससे, वो आनी है, इसमें ऐसा नहीं है हम द्वेष करते हैं, पावर लेते हैं ना, पावर लेने वाला और कोई देने वाला भी तो चाहिए ना, अगर हम ही लेने देने वाले तो फिर काम कैसा होगा, फिर तो मिलेगा ही नहीं ना, देने वाला भी हम तो लेने वाला भी हम, ऐसा कैसा होगा, ये बात नहीं बने। तो ये सारी चीजें हैं जिसको बहुत अच्छी तरह से, ये संबंधित का भी ड्रामा है ना, देखो राजा प्रजा बाप बेटा हर चीज, स्त्री पति, संसार की बनावट में भी संबंध है, और संबंध से ही तो लाइफ का, सुख का, सबका ये संबंध है, सब एक ही एक, सभी एक ही एक, ऐसे ऐसे तो फिर कोई किसी को ना पूछे, हाँ किसी की कुछ बात रहे ही नहीं, सृष्टि में भी घर में एक छोटा घर है, ये बाप है, ये माँ है, ये बच्चे हैं, अगर ऐसे ना हो तो सबके हम काम चलेगा, कौन किसकी देखे, कौन किसकी देखे, कौन किसकी कुछ करे, कुछ होगा ही नहीं, तो बस बापी बाप, तो चलो बापी बाप चलो, हाँ तो क्या होगा, नथिंग, कोई सृष्टि,
नहीं, ये सब हम हद में भी देखते हैं तो हर एक का स्टेज है, रिश्ता है, ये सब है, सब बनावट है, तो वो भी तो हमारे फादर है ना, सुप्रीम सोल। तो अभी उसे लेना है बस एक रिश्ता, फादर एंड सन्स। सन्स हम सब आत्माएं, आई एम सन, नॉट डॉटर, आई एम सन, क्योंकि आत्मा है ना, तो आई एम सन, यू आर वी सन। सन ऐसे नहीं बॉडी के हिसाब से, बॉडी तो आपकी मेल है, हमारी भले फीमेल है, लेकिन आत्मा जो है ना, आई एम सन, तो सन को तो हक मिलेगा ना, हक लेना है तो सन को मिलेगा प्रॉपर्टी का, आई एम सन नॉट डॉटर। परंतु हाँ, फिर आते हैं ब्रह्मातन में आते हैं ना, तो फिर ब्रह्मा के द्वारा बैठ कर कर करके ये रचना रची है, तो फिर दादा, तो दादे की तो जरूर मिलेंगी, ग्रैंड फादर हो गया ना, किसके ग्रैंड सन है, सुप्रीम सोल, हेवनली गॉड फादर, तो हेवन का, तो हेवन का हम हकदार हो जाते हैं ना। तो बाप कहते हैं बच्चे अभी देखो तुमको वो हक दे रहा, तो ये है, ये अभी खुशी रहनी चाहिए कि हम फादर से, ग्रैंड फादर से क्या प्राप्त करते, ये अंदर की बातें हैं अपने से, और उस खुशी में, उस नशे में, और उसमें रहते अपना काम, फिर कोई आएगा नहीं, कोई दुख की बात, कोई इधर लगेंगे नहीं, फील नहीं होगी, महसूस नहीं हो, समझेंगे चलो कोई रोग आया, समझेंगे ये कर्म भोग है, कर्म भोग है ना, पिछले घाटे की है ना, वो तो मैंने उल्टा बनाया है ना, बाप को छोड़ करके, रिलेशन छोड़ करके हम उसी के माया के रिलेशन में चले गए, तो हमने उल्टा बनाया, तो भोगेंगे ना तो क्या करेंगे, चलो अभी ये चुकाना है, तो खुशी में वो इतना फील नहीं होगा, क्योंकि अभी इसका साथ लॉस्ट है, अब तो नहीं बनाना है ना, तो फिर उसको समझेंगे कर्म भोग है, कोई ऐसी बात आ गई, चलो ये भी उसका लेना देना हिसाब किताब है, चलो तो क्या है उसकी फीलिंग्स और उनकी महसूसता नहीं रहेंगी, महसूसता वो जोर से बैठी है ना, उनकी महसूसता, वो खुशी की महसूसता जोर से है, इसलिए फिर ये महसूसता जो है ना वो इतनी लगेगी नहीं, ऐसे रहने से अंत मते तो गति, ऐसी ऐसी अवस्था खड़ी रहने से फिर हम उसी अवस्था को पाते, ये है अपनी अपनी बनाने की कि हम किस अवस्था में रहें, अनुभव, अभी कहते हैं ना मामा अनुभव सुनाओ, ये अपना अनुभव भाई किस में रहना है, कैसे रहना है, तो हाँ इसी तरह ये अंदर अंदर का भी, बाहर से तो कुछ करने की या कहने की तो बात नहीं है ना, ये अंदर की, अब ये अंदर की ये अपनी रखने की है, और उसी में रह करके काम तो करना, ये भी हम काम ही करते हैं ना, आप लोगों को सुनाना करना जो भी है, देखो कितने सब है, उन्होंने सब की संभाल तो रखनी पड़ती है ना, उनके कपड़े की भी, तो उनके बीमारी की भी, उनके सब की, देख दे आप दो चार बच्चे संभालते हो, बाबा मम्मा के कितने बच्चे हैं, सब की देख देख, जिस्मानी रूहानी दोनों देख देख करनी, आप तो खाली जिस्मानी करते हो शरीर की, उसके रूह की क्या संभाल करते हो, वो बेचारा मरता है गिरता है क्या होता है, उसका तो पता भी नहीं है कि उनकी आत्मा की कोई हानि हो रही है, उसकी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पकड़ते हो, हाँ करके जिस्म की बीमार होगा डॉक्टर का इलाज करा देंगे, हाँ उसके पढ़ाई लिखाई का, इधर तो देखो इनकी जिस्मानी, तो ये हाँ स्टेटस पाने के लिए अपनी धारणा बना रहे हैं, तो रूहानी और जिस्मानी भी रखनी पड़ती है, इनको कपड़ा लटा बीमार दुखोंगा तो ऐसे तो ही छोड़ देंगे, ना उनका इलाज दवा, क्योंकि समझते हैं पिछले खाते का है, तो उनकी संभाल, तो जिस्मानी भी चलती है, रूहानी भी चलती है, डबल काम है आप लोगों के ऊपर, तो सिंगल काम, और जो भी दो चार बच्चे करके बहुत में बहुत, उसको छः होगा, आठ होगा, बारह होगा, बस ना और क्या, इधर तो देखो कितने बच्चों का देख दे, तो अपनी भी तो प्रवृत्ति है ना, ऐसे नहीं है कि हम प्रवृत्ति को छोड़ देते हैं, वो दो चार बच्चों का प्रवृत्ति है, ये सैकड़ों का बैठ करके संभाल होती है, तो इसमें तो ऐसे नहीं ना बुद्धि हिले, नहीं हिलने की कोई बात नहीं है, अब आएंगे ना आप, आएगा माउंट अबू देखना, अभी एक एक सौ दो दो सौ इकट्ठे होते हैं, हाँ उनकी संभाल करना, सबको खिलाना पिलाना, कोई बीमार पड़ जाएगा, कोई कुछ होगा, आगे तो रहते थे अपने पास शुरू शुरू में, तो कहीं बरस पौने चार सौ इकट्ठे रहते थे, पौने चार सौ एक ही रहते थे, लेकिन मकान इतना नहीं था, वहाँ कराची में, पाकिस्तान में थे ना पहले, तो कराची में इतना मकान नहीं था जो हम उसमें एक ही में रहे, लेकिन आठ मकान थे, आठ मकान, और खाना एक स्थान पर बनता था, आठों पर पहुंचाना प्रबंध था सारा, मोटर बसें सब था, दो बसेस थी, छह मोटर थी, छह कार थी, तो सब प्रबंध था, तो देखो कितना, कोई समय ऐसा था खाना एक स्थान बनता था, सबके पास जाता था, पीछे फिर खाना भी अपना अपना कहाँ का कर दिया था, परंतु नहीं तो वो भी टाइम था,
तो सबका वहाँ देख रेख करना डेली, कोई बच्चों का अलग, बच्चियों का अलग, छोटी छोटी लाई थी ना इनकी, सब कोई बच्चे नहीं ले आई, वो सब ले आई था। हाँ ये सब बहुत छोटे 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 थे, 28 बरस हो गए ना, इतने इतने आए। हाँ तो बड़े छोटे, तो इन सब की संभाल होती थी ना, कितना 450 कोई संभाल, तो ये सब की देख देख। हाँ आप 2-4 बच्चे संभालते हो, बिजी हैं, क्या करें, बच्चे हैं, ये है वो, तो देखो कितना बहाने के लगाते हो, और इधर 450 देख देख उनके दुख की, उनके कपड़े की, उनके सब की, हर तरह की, और सो भी रूहानी जिस्मानी, कोई मन में संकल्प तो नहीं है, ऐसे तो नहीं माया कहान को हैरान कर रही है, सबकी देख रहे रोज कचहरी, रात को सबसे पूछते हैं कोई सेलिब्रेशन, किसको ऐसी ना हो थोड़ी, किसको चीज न मिले उसके कारण बेचारे का माइंड डिस्टर्ब रहे और योग टूट जाए, तो सबसे पूछना, क्योंकि चार्जेस पर तो दूसरे मुकरर भी रहते हैं ना, और तू कहा कोई चार्ज वाला नीचा ऊंचा कर देवे। हाँ कभी भाई बहने हैं नी, आपस में कभी हो जाती है कुछ, तो न मालूम किसी ने किसके ऊपर पूरा अटेंशन न दिया हो, तो फिर रोज रात को पूछना और उसकी देख देख करना, कोई भी बात है तो हर तरह से, कोई किसने भूल की तो वहाँ कचहरी, कचहरी समझते हो ना, उनका भूल का क्लास होता था, फिर हाँ सबसे उन्हों को सजा भी मिलती थी। हाँ सजाएं कोई दूसरी नहीं, फिर हाँ मुरली बन, ये ध्यान क्लास तुम्हारा वर्ग है, तो ये खाना ना मिले तो देखो कितना उसका दंड है। ऐसे 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 नहीं कि यहाँ ऐसे ही बस कामन चलने का, ये तो पढ़ाई है ना, इसमें तो पूरा बनने का, तो ऐसी कोई भी मिस्टेक करे तो बहुत उन्हों की संभाल भी रखी थी, और कचहरी सेलिब्रेशन अभी तक भी आप आएंगे माउंट अबू ना, तो फिर जब आकर इकट्ठे होते रोज पूछते हैं रात को, कोई किसी को दिक्कत तो नहीं पड़ी, किसी ने किसको ऐसा तो नहीं ना आपस में कोई किसी का हो जाए कुछ तो, हाँ नहीं सब समा अच्छी तरह से, तो ये सभी रखना होता। तो देखो इतने बच्चों की संभाल करते, तो बाबा मामा तो कहते नहीं हमारे, क्या करें बिजी है माने कैसे करें, नहीं वो भी करना ही है ना, तो काम तो हम भी करते हैं, कर्म योगी तो हम भी है ना, ऐसे थोड़ी हम छोड़ के बैठे हुए हैं। हाँ 2-4 का नहीं है तो बहुतों का है, ये भी तो बहुतों की है, उसमें सब तरह से जिसने वो अपनी जीवन बनाए, तो ये सभी चीजें अपने प्रैक्टिस की है और अपनी धारणा में ले आनी है, तो फिर अपनी धारणाएं ऐसी बनाने से ही तभी तो हम अपना सौभाग्य पा सकेंगे ना। सब अपना हम अब सब काम अपने हाथ से करते थे, कपड़ा भी जो अपने है ना सब धोबी को नहीं देते थे, क्योंकि पता नहीं गंदे बेचारे के सोचते होंगे कपड़े कैसे होंगे क्या होंगे, सब अपने घर में बट्टी थी, धोबी हम थे, सब अपन धोते थे, तो इतनी कास्ट मोटर थी, हम सब वो क्या करते हैं क्लीन सब 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 हम करते, सब चप्पल पहनने का है ना वो चप्पल हम अपने बनाते थे, सब अपना अंदर था सब, क्योंकि बैठे थे। हाँ एब्सेंट तो होते रहते साथ से ना, भले एब्सेंट होंगे कारण से, कभी कोई बीमार हो, पर जो हमारा है वहाँ बीमार होते तो भले खटपट लेते रहो, ऐसे तो आ लेते भी रहेंगे सुनेंगे, उनको आराम से इजी चेयर पर बिठाएंगे, कोई ऐसा होगा लेते रहेंगे, हाँ बाकी कोई कारण से हुआ तो कारण होगा ना, बाकी ऐसे ही कोई करेंगे तो हाँ उनको कहेंगे कि ये सुस्ती लेजी अभी क्या ये माया खा गई, देखो तुमको माया ने हाँ लगाया, ये भी एक छठा विकार है, हाँ सुस्त बना, ये 5 विकार ये 6 विकार, हाँ हम 6 विकार कहते हैं, तो लेजी बना सुस्त बना, तो फिर हाँ उनको भी तो ठीक करना है ना, वो तो कोई रॉन्ग है उनकी कारण, तो फिर उन्हें समझाना भी है, तो ये सभी चीजें है, तो ये अपना है, ये सब स्कूल में बोर्डिंग था ना, जैसे लॉजिंग बोर्डिंग सब अपना था अंदर, तो ये सभी समय इतना सब ये काम काज चलते ऐसे नहीं, ये खाली ऐसे ही बस चल रहे हैं नहीं, ये सब उन्हीं में अपना योग अपना ज्ञान अपनी धारणा और प्रैक्टिकल और संगठन में फिर चलना। हाँ देखो माताओं को संभालना बड़ा मुश्किल है, उनके बीच में रह कर करके सभी ये सभी कितना सब बातों का, तो ये सभी चला हुआ है, अभी तो सब सर्विस में निकल गई है ना, अब तो कोई किधर देखो 2-4 इधर है 2-4 किधर है 2-4 की, अब तो सब फैल गई है सर्विस में, अपना अपना वहाँ सर्विस में लगी है, पहले तो जहाँ पाकिस्तान में तो सब एक ही जगह पर थे ना वो बस्ती में पकड़े थे, अब तो सब सर्विस में गए इधर उधर, तो सब फैल गई है, फिर भी अभी सीजन होती है ना माउंट अभी पर आते हैं सब इकट्ठे होते हैं, तभी आप लोगों को भी कहते हैं ना आप आएंगे ना बेंगलोर वाले, हाँ भोपाल आएंगे ना,
जी आएंगे तो दिखाएंगे तो सब कठे रहते हैं और कैसे किस तरह से, परंतु आने वाले भी बड़े अच्छे चाहिए ना। हाँ बी प्योर एंड बी योगी, हाँ ऐसे चाहिए, तब उनको आनंद आएगा ना। तो ऐसे सब, तो ये सभी धारणाएं हैं, बाकी अपना कोई ऐसा ही नहीं है बस। तो ये प्रैक्टिस है, प्रैक्टिकल, किस तरह से अपने उसी प्रैक्टिस में रहें, सब अनुभव की अपनी बातें हैं, उसी अनुभव में रह कर कर करके और उसी अनुभव के साथ अपना जीवन चलाने का। तो ये सभी प्रैक्टिकल जीवन बनाने की बात है, ये सिर्फ ऐसी कॉमन आया गया सुना बस उसी की चीज़ नहीं है, ये तो अपना उससे संबंध है, अपना जो बाप बेहद का, कैसे हम बच्चों को ये नॉलेज भी दे रहे हैं, हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी वही है ना, गति सद गति दाता भी वही है। इसीलिए अभी बाप कहते हैं बाप टीचर और सतगुरु, कैसा प्रैक्टिकल बनता हूँ वो बन कर करके हम अभी क्या कहेंगे, हमारी पालना कौन करता है डायरेक्ट उनसे, क्योंकि हमको खिलाने वाला कौन, वो तो ऐसे भक्ति मार्ग में तो ऐसे सब कहते हैं, परंतु वो तो अपने कर्म का है नहीं, खिलाने वाला वो है तो किसको अच्छा किसको वो किसको बेचारा खा भी नहीं सकते हैं, तो ये तो अपने कर्म का हिसाब है ना, परंतु सच सच अरे परमात्मा के, क्योंकि अभी हम उनके है प्रैक्टिकल, इसीलिए प्रैक्टिकल उनके होकर के अभी उनके द्वारा अपना लेते, तो याद कौन रहेगा, बाप रहेंगे, खाएंगे कौन खिला रहा, बाप का खा रहे हैं, पराता कौन है, बाप बना रहे, तो हमारे बुद्धि में एक की ही याद रहेंगी, ऐसे नहीं वैसे लोग एक तरह से टीचर एक रहेगा, बाप दूसरा रहेगा, गुरु तीसरा रहेगा, हाँ तीसरे मनुष्य को याद रखना पड़ेगा ना, परंतु इधर तो एक ही को, और एक भी कौन जो है ही एक, तो उसकी याद, अभी हमको ये नॉलेज सुना रहा है कौन, डायरेक्ट उनकी याद आती है ना, हमको कोई शास्त्र थोड़ी, गीता थोड़ी याद रखनी पड़ती है, गीता शास्त्र नहीं, वेद शास्त्र नहीं, या कोई भी शास्त्र नहीं, गीता पाठी बैठ के सुनाएगा तो उसको क्या याद आएगा, ये गीता सुनाने वाले नहीं बहुत, हाँ भाई फलाने फलाने, हाँ तो उनको क्या याद है, उनको गीता आएंगी, और फिर कृष्ण भगवान, अभी कृष्ण को तो भगवान है, तो देखो बुद्धि उल्टी जाती है ना, अभी अपनी बुद्धि किसके पास जाएंगी, परम पिता परमा, सुनाने वाला कौन है, हम बड़े ममा सुनाती है, पर तो सुनाना सुनाया कि ममा भी कहाँ से सुन के सुनाती है, हाँ सुना तो उसका है नहीं, नॉलेज तो उसका है ना, तो बुद्धि में कौन आएगा, कि बाप की नॉलेज, फिर जिसने धारण किया है वो धारण किया हुआ फिर बतलाती है, पर तो है तो उनकी ना, हमने कहा अपना थोड़ी कोई वेद शास्त्र अपने अपने कोई अंदर से नहीं, उनका सुन कर करके उनका धारण रखा है, तो बुद्धि में क्या आएगा, क्या बाबा का नॉलेज सुनते हैं, जिन्होंने उस पॉइंट को भाई धारण किया है या कुछ किया है वो फिर बतलाते हैं कि बाबा का ये है समझाना, बाबा ऐसा समझाते हैं, बाबा ऐसा बताया है, अब बताया तो बाबा नहीं है ना, नॉलेज दी तो उसने है ना, तो बुद्धि में याद सबको क्या आएगा, बाप आएगा, तो इसमें बाप ही याद रहेगा, इसमें कोई मनुष्य की या किसी के याद की बात नहीं है, तो इसमें है मन वचन कर्म से, अभी जैसे कि हम उनके हैं और उनका ही हमारे से मन वचन कर्म का चल रहा है, ये सभी चीजें समझने की है, तो ये है बाप का अच्छी तरह से समझ कर करके और बाप से अपना जन्म सिद्ध अधिकार लेना, तो अधिकार लेने वाले भी अच्छे चाहिए ना, बाकी ऐसे थोड़ी बस ऐसा नहीं, वो अपने के ऊपर दाव रखना, वो संबंध रखना और उसी सभी में आना, उसके मत पर चलना, अभी हम किसके मत पर रहे, उन्हीं के, कोई भी काम करेंगे कुछ भी होगा कोई भी बात उसी के डायरेक्शन पर उसकी मत पर, तो क्या हमारे बुद्धि में वही याद रहेंगी, उनकी ही याद रहेंगी, दूसरे किसी की नहीं, कोई मनुष्य की याद नहीं, बस उनकी याद, जो उनके डायरेक्शन पर है उनके मत पर है, तो इतनी बुद्धि उससे लगन चाहिए, तब हमारा योग याद और रिलेशन वो लव वो सभी लगेगा, बाकी खाली थोड़ी बैठ करके कहने की या कुछ है या बैठ करके कहना है नहीं, तो ये सभी कहने करने वाली सिर्फ बातें नहीं है, ये प्रैक्टिकल रिलेशनशिप प्रैक्टिकल चाहिए ना, संबंध में, तभी हमको वो सुख और वो आनंद और वो शांति और उसी के आधार पे फिर हम भविष्य भी अपना प्रालब्ध बनाते हैं, तो अभी अपना है ईश्वरीय संबंध, पीछे तो देवता संबंध हो जाएगा नहीं, देवताओं का आपसी का, अभी ईश्वरीय, तो ये रिलेशन श्रेष्ठ है, इन्हीं को कहा जाता है ब्राह्मण वो देवता, तो ब्राह्मणों का देवता से ऊंचा पद है, क्योंकि हम ब्राह्मण अभी ऊंचे है, क्योंकि हमारा रिलेशन डायरेक्ट ईश्वर के संबंधित रिलेशन है,
और वो देवता को फिर देखो लक्ष्मी नारायण फिर अपना अपना देवी देवताओं का आपस में रहा ना, ये तो अभी हमारा ब्राह्मणों का हम मुख वंशावली किसके रिलेशन में है, डायरेक्ट इनकी। तो वो नशा है, वो खुशी है और इस जन्म को महत्व, इसीलिए कहते हैं ये जन्म जो है ना सब जन्मों से, देवताओं से भी कहते हैं ना, देवता भी इच्छा रखते हैं मनुष्य जन्म में आए, वो कौन सा जन्म, ये जन्म कि हम यहाँ से तो ब्राह्मण से ही तो देवता बने हैं, तो याद रखेंगे ना कि भाई यही से हम ऐसे बने हैं, तो जहाँ से बना जाता है तो उसकी याद है, तो यही हमारी स्टेज लाइफ थी जिसमें से हम ऐसे बने थी, तो इसीलिए बल आ रही इस जन्म की, कहते हैं ना सबसे यहाँ यही मनुष्य जन्म जो है वो दुर्लभ है, कहते हैं मनुष्य जन्म दुर्लभ है, परंतु वो समझते हैं 84 लाख योनियों से जानवर पक्षी पशु बन कर करके इसे आकर के मनुष्य बने, नहीं मनुष्य अपने बहुत नीचे के जन्मों से फिर ये जो जन्म है ना श्रेष्ठ हम श्रेष्ठ बनते हैं ना, वो तो प्रालब्ध हो गई, उसमें तो हम प्रालब्ध खाते बनते जहाँ है, ये मेहनत का है, तो ये मेहनत की लाइफ है जिसमें हम इम्प्यूरिटी से प्यूरिटी में आते हैं, इसीलिए ब्राह्मणों का महत्व, तो ये सभी चीजें समझने की, तो हम डायरेक्ट अभी ईश्वरीय संतान, परंतु कहने में नहीं सिर्फ प्रैक्टिकल है, संबंध में है, तो अपना संबंध चाहिए ना प्रैक्टिकल, खाली कहने नहीं भगवान के बच्चा है बच्चे हैं या उसकी संतान है वो फीका फीका नहीं है, प्रैक्टिकल चाहिए ना, संबंध है तो संबंध चाहिए प्रैक्टिकल, तो अभी अपन प्रैक्टिकल चलते हैं, तो ये सभी चीजों को अच्छी तरह से समझ कर करके और उसी बात से अपना देह का वस्ता लेना, कैसा एक पॉइंट सुनाई है, तो ये पॉइंट बहुत बड़ी है, इसको अगर कोई प्रैक्टिकल में लाए ना तो मेरा पार हो जाए एकदम ना, तो ये है प्रैक्टिकल में लाने की, खाली सुनने की नहीं है। अच्छा आप लोगों का टाइम जरा होता है इसलिए टाइम को भी देखना होता है हाँ, क्योंकि काम धंधे पर आप लोगों को जाना होता है। अच्छा दियो टोली दियो अभी है अच्छे बेंगलोर के हाँ, जरूर है कि बाप से अपना जन्म से अधिकार लेने के लिए पूरा पूरा यत्न रखेंगे, कैसे गोपालम कुछ आता है समझ में ना हाँ, कुछ ना आए समझ में पूछो, डायरी रखो नोट करो, पूछो भाई ये बात कैसी है, और अच्छी तरह से सभी बातों को समझना, ऐसे नहीं अंधविश्वास में हाँ करना है ना, कुछ बात नहीं आती है तो समझना पूछना है कैसा श्याम सुंदर हाँ, इसीलिए अपना आप एक पूछेगा और बहुतों का शंका निवारण होगी, इसमें कोई हर्ज नहीं है, हम खुश होते हैं कब कोई पूछते हैं, पर वहाँ समझने के ख्याल से फालतू कोई है कौन से सीजन में जाने का प्रोग्राम है क्या, कौन सी सीजन में जाना, सीजन में देखो वहाँ जब भी होते नहीं बच्चों को छुट्टी होती है तो बहुत आते हैं, अप्रैल से आते हैं, अप्रैल मई जून, अभी मार्च भी अच्छा है उधर का मार्च, मार्च भी अच्छा है क्योंकि सीजन अच्छी होती है वहाँ, तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई में बारिश चालू हो जाती है, फिर जुलाई अगस्त ये जरा थोड़ा बाकी अप्रैल मार्च अप्रैल में ठीक है वो आते हैं इसमें हाँ हाँ सब आते हैं, जब सेंटर्स है नी और सबके तो छुट्टियाँ होती हैं तो काफी आकर करके वहाँ इकट्ठे होते हैं आते हैं, तो अभी मार्च अप्रैल मई में आते हैं, अब हम जाएंगे यहाँ से हम भी अप्रैल तक पहुँच जाएंगे अप्रैल एंड में परंतु हाँ जो बी प्योर बी योगी ऐसा जो आएगा उसको आनंद आएगा, नो प्योर नो योगी तो उसका उसको आनंद नहीं आएगा, वो तो कहेंगे ये क्या वो क्या वो क्या वो से उल्टा उठाते रहेंगे, परंतु जो रहेंगे पवित्रता की धारणा में होंगे उनको रस बैठेगा, जो योगी होगा हाँ उनको रस बैठेगा, तो प्रैक्टिकल लाइफ भी चाहिए ना, क्योंकि ये तो अपना संबंध है ना रियल है ना, कोई आर्टिफिशियल तो नहीं है ना, तो उसी संबंध का लव उसी संबंध में सुख वो ईश्वरीय सुख की भी भाषणा उनों को आएंगी फीलिंग जिनों को अपना होगा संबंध, अभी होगा नहीं तो उनको वो मजा नहीं आएगा, फिर आते हैं सब ये अच्छा ही होता है फिर इकट्ठे होते हैं ना, तो सब तो इधर उधर से आते हैं तो एक दुकान बहुत सुनना करना कॉन्सेप्ट होता है ना, तो पता चलता भाई ऐसा देखो भाई ऐसा इनकी कहले कैसे पहले पॉस्ट लाइफ थी, तो ऐसे ऐसे अनुभव सुनने से आता है कि नहीं कुछ तो है नहीं, नहीं तो कोई ऐसी चीज छूटना हाँ
बड़ा मुश्किल है, कोई आदत पक्की हो जाती है छूटना, परंतु कोई तो ताकत है या किसी के आधार से ऐसी कोई चीज मिलती है तब तो होता है। तो कई ऐसे अनुभव एक दो के सुनने से बहुत हुलास भी बनता है और इजी लगता है कि सहज है। वो जो मनुष्य समझते हैं बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट के बैठ ही जाते हैं, हाँ। नहीं, इधर इजी है। इजी कहते हैं बस, जब बाप का पता चला ना तो फिर बाप मिला तो बाकी थूक मारो सबको, हाँ, ये तो निकल जाता है ना, यानी कोई बड़ी बात नहीं है। जबकि इतनी बड़ी चीज, कोई बड़ी चीज मिलती है, हाँ, एक दो पैसा मिलता है तभी एक पैसा छूटेगा, ऐसे तो नहीं ना। ऐसे नहीं है कि बस हमारा एक पैसा ऐसे ही छूट जाए, मिले कुछ नहीं, जरूर कुछ मिलता है तब तो छूट सकता है। तो जरूर है कि कुछ मिलता है तभी छूटता है, तो जरूर है कि उनके अनुभव से कुछ उसको मिला है, ज्यादा कुछ मिला है, जिसके आधार पर वो थूक मारो इसको, क्या ये गंदगी क्या लगा बैठे, तभी तो छूटता है ना। तो जरूर है कोई अनुभव में ऐसी चीज आई है, तो अनुभव सुनना है एक दो का, उससे भी अपने लाइफ में बहुत कुछ मिलता है, बल मिलता है। तो यहाँ तो खाली आप बेंगलोर वाले ही आप उसी में हो ना, थोड़े बहुत वहाँ आने से और भी सब तरह के देखेंगे मिलेंगे, तो क्या क्या आपने कैसे कैसे लाइफ बनाई है, कैसे देखो यंग रह कर करके अपना पवित्र रहते हैं। तो कोई बूढ़ा होगा तो उसको आएंगा ना, अरे मैं नहीं रह सकता हूँ, इतने ये रह रहे हैं, क्या लग जाएंगे ना, देखेंगे ना कोई हमारे जैसा कोई कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते हैं, तो आएंगा। तो एक दो को देख करके होता है नहीं, जो इम्पॉसिबल मैंने समझते हैं वो पॉसिबल है, तो ये कर सकता है हम क्यों नहीं कर सकते हैं, हाँ, इतना छोटा कर सकता है हम नहीं कर सकते, तो आएंगा ना। तो ये एक दो के अनुभव से अच्छी अच्छी बातें भी मिलती हैं। तो ये कांटेक्ट में आना, कांटेक्ट रखना, हम तो कहते हैं बहुतों को कि आप आओ मिलो सबसे, पूछो अनुभव आप लोगों को, क्योंकि देखो पेशेंट्स को किसको शफा होती है तो उससे पता चलता है भाई, हाँ इसको बहुतों को फायदा मिला है डॉक्टर से, हाँ ये डॉक्टर कुछ अच्छी दवा देता है, हाँ तो जो होता है ना भाई तुमको फायदा पड़ा, तुमको ऐसी ऐसा रोग तुम्हारा भी मिट गया, तुम्हारी भी ये होगी, अच्छा भाई इस बहुतों का ये दफा तो उनसे होता है, तो हाँ पूछो उन पेशेंट से, हाँ डॉक्टर से छो पेशेंट, हाँ ऐसा होगा ना, तो डॉक्टर का शो निकलेगा, पेशेंट शो डॉक्टर, हाँ तो उसे पता चलेगा। तो हाँ पेशेंट देखो, अगर पेशेंट को कोई शफा मिली है तब तो डॉक्टर समझो, नहीं तो न समझो, चलो उसमें क्या है, हाँ तो वो अपने अनुभव से भी हर एक का होता ही है ना। और ये प्रैक्टिकल है, इसमें तो और कोई बात नहीं है, यहाँ कोई गुप्त या छिपाने की, हाँ बाकी उनका काम कैसे चलता है, गुप्त चलता है, जितना है सर्व समर्थ वो अपनी प्रत्यक्ष ताकत नहीं दिखाएगा, पता कि क्या दिखला है, मुर्दा पड़ा जिंदा करे तभी को हाँ भगवान है, हाँ ऐसे तो भार नहीं है नहीं, यही मुर्दे लाइफ मुर्दा हुई पड़ी थी ना, उस लाइफ को आकर करके जिंदा करती हैं। तो ये है मुर्दे को जिंदा बनाना, बाकी उस मुर्दे को जिंदा करेगा फिर मुर्दा नहीं बनेगा, बनना तो है ना, शरीर को तो छोड़ेंगे तो वो बात नहीं है, ये है कि हमारी लाइफ जो मुर्दाबाद हुई पड़ी है उस लाइफ को आकर करके जिंदाबाद करना, तो ये है मुर्दे को जिंदा बनाने का। ऐसा ऐसे आज दादा को तकलीफ देते हैं, कौन कौन तैयार है कहाँ, अरे ठहरो तो सही, पहले तो भी योगी में हाथ उठाए थे, अभी मधुबन में, मधुबन में कोई ऐसा थोड़ी नॉट अलाउड, जब तरफ इनमें से समझ जाएगी तो ये पवित्र है। ठहरो, हम जो नए अभी आते हैं ना, अभी उसको मंगाएंगे, एक दिन मंगाएंगे सबको, फिर पूछेंगे हाल चाल अच्छी तरह से, कौन प्यूरिटी में अभी चला है, किस तरह से हो सब पूछेंगे, ये तो हाल चाल थोड़ा अकेला पूछना चाहिए ना, हाँ सब में कोई बेचारे सुनाने में करेंगे जगह जगह, तो फिर पूछेंगे। हाँ बाप तो ब्रह्म बाबा, हाँ हाँ शिव बाबा, हमेशा अभी शिव बाबा बाबा कहते हैं, अभी शिव दादा करना, हाँ शिव दादा, दादा ग्रैंड फादर को वो कहते हैं, वो तो ठीक है, जब बाप के संबंध में इनके आते हैं तो उसको दादा ही कहना है, ग्रैंड फादर, वो तो ठीक है कहते हैं, ऐसे भी कहते हैं, परंतु हमको बाप हाँ याद रखने का है इसीलिए बाबा बाबा भी कहते हैं, परंतु बड़े बाप को भी बाबा कहते हैं ना, तो बाबा माना बाबा, ग्रैंड फादर याद उसको रखना, याद उसको रखना, नट ब्रह्मा को याद उसको,
बाकी यहाँ इसका भी तो बीच में है ना, ये ना होता तो हम कहाँ से बचे होते हैं, हम कहाँ से, हमको कहाँ से रचता, इनके बिना भगवान हमको भी नहीं रच, पोतरे पैदा नहीं कर सकते हैं बाप के बिना, जब इनके बाप हो तब तो हम पोतरे भी बने, तो हम पोतरे पैदा नहीं हो सकते इनके बिना, ब्रह्मा के बिना, ब्रह्मा न हो तो हम पोतरे भी न हो, जैसे कोई मनुष्य के द्वारा ही तो मनुष्यों की रचना बनाएगा ना, तो वो कैसे रचे, परमात्मा कैसे रचे, तो वो आकर करते उस मनुष्य का आधार लेकर कर करते और करते हैं। अच्छा दादा दो बीस और बी योगी, अब तो कहेंगे ना भाई परिवार है सारा, देखो देवी है आशे बाबा को सब इसमें, तो अभी है तो दादा का तो सर्टिफिकेट है देना पड़ेंगे। हाँ फिर उधर आएंगे, फिर आप सबको देखो जो पवित्र रहते हैं ना उसे खाना बनवाते हैं, मिल्स भी बनाते हैं उधर, हाँ एक दिन उसका रखते हैं भाई आज मिल करके, फिर सबका बनाना 100 का 200 का खाना बनाना, हाँ रोटी बनानी ये करना, फिर सब प्रैक्टिस उधर कर आएंगे। हाँ तो अपने हाथ से योग में रह करके प्रैक्टिस कराइए, बाबा की याद में रह करके काम करो, जैसे जैसा करते आता है तो प्रैक्टिस कराते हैं, तो खाना बनवाते हैं और काम भी कराते हैं, जैसे नहीं काम करे तो बाबा की याद भूल जाए ना, प्रैक्टिस कराते हैं, फिर आएंगे तो वहाँ आपकी प्रैक्टिस देखेंगे। हाँ खेल भी ऐसे नहीं खाली काम करते हैं, टेनिस करते हैं, बैडमिंटन करते हैं, वो क्रिकेट करते हैं, खेल करते भी उसकी याद, ऐसे ना खेल करे तो उसमें बॉल में भूल जाए ना, हाँ बॉल कैच करे तो जैसे बाबा का वर्षा कैच करते हैं, ये बॉल देखो बॉल कैच है ना, बॉल दुनिया का गोला, तो बुद्धि में बाबा की याद तो वो खुशी भी रहती है। स्टूडेंट इज द बेस्ट वैसे भी कहा जाता है, उसमें भी ये गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट, गॉडली स्टूडेंट वैसे भी कहा जाता है स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट, परंतु उसमें भी ये बेस्ट क्योंकि ये गॉडली लाइफ है ना, ये स्टूडेंट लाइफ है, स्टूडेंट वैसे भी बेचारे यहाँ खुश होते हैं, घूमना फिरना पढ़ना स्टूडेंट लाइफ को बेस्ट कहा जाता है वैसे भी, पर ये जो गॉडली स्टूडेंट है तो गॉडली स्टूडेंट बनना कोई कम थोड़ी है। अभी आपका अच्छा बाबा।